हाय गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हो। गाइस गाइस, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हो विकी यूनिक टेक्निकल। गाइस, मेरे चैनल का नाम पहले विकी शर्मा टेक था, जो कि मैंने नाम अपने चैनल का नाम चेंज किया है, विकी यूनिक टेक्निकल रखा हुआ है। गाइस, अब कंटिन्यू मेरे चैनल का नाम यही रहेगा। गाइस, और काफ़ी समय से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था चैनल पर अपने, इसी रीज़न की वजह से अब कंटिन्यू आप कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वीडियो कुछ ना कुछ वीडियो दिया करूँगा, जो कि आप लोगों को हेल्पफुल होगा हमारी वीडियो से। तो गाइस, मेरे पास एक फ़ोन आया हुआ कचोटा फ़ोन का K115 मॉडल है, जिसमें प्रॉब्लम ये है गाइस, जो कि स्क्रीन पे आपको शो कर रहा हूँ, 5 बटन इसमें जो कि वर्क बिल्कुल नहीं कर रहा है गाइस, जो कि ट्विजर की मदद से मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस, जो कि यहाँ पे देख लें गाइस, ये बटन बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है। जो जो बटन पर मैं क्रॉस के निशान लगाया हूँ, ये सब बटन बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा, 5 बटन। ठीक है, तो 5 बटन के सोल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा, किस पांचों बटन को आप अगर कभी फ्यूचर में कभी ख़राब होता है तो कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं इस बटन को, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में प्रॉपर नॉलेज दूंगा आप इस वीडियो के माध्यम से। तो पूरा डायग्राम मैं बनाया हूँ गाइस यहाँ पे पूरी बटन की, तो यहाँ पे देख लीजिएगा डायग्राम, आप अच्छे से डायग्राम का बस समझ लोगे ना तो आसानी से आप इस बटन को प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर पाएंगे आप। ठीक है, तो जितने भी ये ब्लू का निशान है गाइस, ये सब समझ लो माइनस है, और माइनस के लाइन कैसे कैसे कनेक्टिविटी हो रहा है, यहाँ से कैसे कैसे कनेक्ट हो रहा है एक दूसरे के साथ, सब ड्राइंग किया हुआ है, आप आसानी से समझ जाओगे। ये देखो गाइस, सब इससे सीधे सीधे में जा रहा है, ऐसे ऐसे में। ठीक है, उसके बाद यहाँ से निकल के यहाँ ऊपर जाता है, और ऊपर से फिर इस बटन में आता है माइनस का लाइन बाहर वाली लाइन में। ठीक है गाइस, फिर ये दूसरे नंबर का यहाँ से निकल के फिर ऊपर में दो बटन में और जाता है गाइस, यहाँ से लेके और एक उसके ऊपर वाली बटन है, यहाँ तक आती है गाइस। ठीक है, उसके बाद उसी तरीके से नीचे वाली, इस वाली बीच वाली एक दूसरे नंबर की लाइन में, तो उसका भी लाइन निकल के होगा इस ऊपर में जाता है, जो कि काफ़ी यूट्यूब पे मैंने सर्च करके देखा इस मॉडल में, इस तरीके से कोई समझा नहीं पा रहा है, और इस प्रॉब्लम इस बटन के सोल्यूशन कोई नहीं बता रहा यूट्यूब पर। ठीक है गाइस, तो ये देख लीजिए गाइस, यहाँ पर भी इसकी लाइन यहाँ तक जा रही है गाइस। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है गाइस, आपको डायग्राम के हिसाब से आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा कि माइनस के लाइन कहाँ कौन सी बटन से कनेक्टिविटी होता है, अगर कभी भी टूट जाता है तो यहाँ से आप जंपरी मांग के आप काम कर सकते हो गाइस। ठीक है, यहाँ तक आता ओके, अब यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया माइनस का वाला। ठीक है, बाहर वाली लाइन क्लियर हो गया, अब अंदर वाली बची है जो कि रेड वाली है, तो ये पाँचों लाइन आपस में कनेक्टेड है, जो जिस पर मैं जो बटन मेरा ख़राब है इस मोबाइल में 5 बटन वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले नीचे का समझ लीजिए, प्लस वाली जो लाइन है गाइस, सीधा सीधा में इसका कनेक्टिविटी बनता है इसका। ठीक है, यहाँ ऐसे ऐसे इसकी लाइन बनती है अंदर वाली लाइन, प्लस वाली लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए, और ऊपर की लाइन बिल्कुल अलग है, क्योंकि माइनस वाला लाइन तो ऊपर भी जा रहा था, लेकिन अब प्लस वाली लाइन सिर्फ ऊपर ही ऊपर है, और उसका अलग हिसाब किताब है गाइस। ठीक है, तो ये समझ लेना आप, देखो ज़रूरी है। तो पहले मेरा ये बटन ख़राब है, ये है, और आपको देखिए ये बटन ख़राब है, और एक ये ख़राब है, और एक ऊपर वाली। ठीक है, ये क्लियर हो गया गाइस, और ये पांचों बटन की लाइन आप देख सकते हो डायग्राम के हिसाब से मैंने ड्राइंग किया हुआ, तो ड्राइंग किया हूँ तो आप देख सकते हो रेड वाली बटन जो है, सॉरी रेड वाली जो लाइन मैं खींच रखा हूँ, पांचों बटन के साथ कनेक्ट हो रहा है अंदर वाली लाइन। और आपको इस मोबाइल में भी आपको दिखाता हूँ मल्टीमीटर से चेक करके कि पाँचों बटन की लाइन आपस में कनेक्टेड है, और एक कनेक्टेड होने की वजह से किसी एक जगह से प्रॉब्लम हमें आ रही है, और वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो हमारी ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी इस मोबाइल में से, जो कि बटन वर्क नहीं कर रहा। तो देखते हैं कहाँ से बीमारी आ रही है इस फ़ोन में। पहले तो आपको मैं ये दिखा दूँ कि बाहर वाली जो लाइन है ये क्लियर है मेरा, ओके है, पहले वो आपको चेक करवाना ज़रूरी है। पहले नीचे वाले बटन में आपको दिखा देता हूँ, ये सब बटन मेरा वर्क कर रहा है, और अंदर वाले में आप चेक करोगे इस तरीके से तो आपको एक भी रीडिंग शो नहीं करेगा यहाँ पर, इस मॉडल में शो नहीं करेगा, अदर मॉडल में शो करता है, दोनों बटन पर शो करता है कुछ ना कुछ रीडिंग, लेकिन इस बटन में इस मॉडल में शो नहीं कर रहा है गाइस, सिर्फ बाहर वाली लाइन में शो कर रहा है। यहाँ पे देख रहे गाइस, जो जो बटन मेरा वर्क नहीं कर रहा था उस सब की बाहर वाली लाइन ओके क्लियर है, अंदर वाली लाइन में दिक्कत आ रही है। ठीक है, ये देखो गाइस, ये वाली, ये वाली, और ये वाली, और ये वाली, और ये वाली, पाँचों कनेक्टेड है आपस में। ठीक है, तो एक जगह से हमें सोल्यूशन इसका मिल जाता है, पांचों बटन मेरा काम करने लग जाएगा,
अब ढूंढना मुझे यह है कि पांचों बटन का कनेक्टेड कहां से मिल रही है और कहां से दिक्कत आ रही है, जो कि पांचों बटन एक साथ काम करने लग जाएगा मेरा। पहले आपको यहां पे आइडेंटिफाई करवा देते हैं कि पांचों बटन की लाइन कनेक्टेड है यहां पे। ओके, देख लीजिए सब पे कंटिन्यूटी मुझे मिल रहा है, जो जो बटन में मेरा ख़राब है, और किसी भी बटन पर मेरा ये वर्क नहीं कर रहा है, सिर्फ पाँचों पर कंटिन्यूटी मिल रहा है मुझे। ठीक है गाइस, तो ये तो क्लियर है कि किसी एक ही जगह से दिक्कत आ रही है, और वहाँ से सॉल्व होगी, बीमारी ख़त्म होगी, तो पांचों बटन मेरा काम करने लग जाएगा। ठीक है, और गाइस आप लोग नए हो हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने चैनल पे मैं इसी तरीके के टॉपिक का वीडियो मैं डालता रहता हूँ, और कोशिश करूँगा कुछ अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा मैं, कुछ अलग अलग टेक्निकल वीडियो, ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा हमारी वीडियो से। और दिखाता हूँ गाइस इस बोर्ड में एक जगह पे एक कंपोनेंट मिस है, जिसकी वजह से ही पूरे फ़ोन में पांचों बटन वर्क नहीं कर रहा है। ये देखो गाइस, ये एक लाइट है, बटन लाइट जो होती है, बटन लाइट के नीचे एक कंपोनेंट यहाँ पे एक लगी होती है, ऊपर में लगी हुई है गाइस, ये देख सकते हो यहाँ पर भी लगी हुई है। ठीक है गाइस, ये लगी हुई है और यहाँ पर भी लगी हुई है, और यहाँ पे लगनी चाहिए, नहीं लगी हुई है, मिसिंग है, बाद में टूट टूट गया होगा, किसी मैकेनिक के दुकान से होकर आया हुआ है मेरे पास ये फ़ोन बनने के लिए, तो वो बना नहीं पाया था या कैसे नहीं समझ पाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहाँ से रिटर्न आया हुआ है ये फ़ोन, तो कह रहा है ये बटन नहीं बनने वाला है, इसीलिए फ़ोन मेरे पास आया हुआ है गाइस। ठीक है, तो मैंने देखा यहाँ पर रीडिंग मुझे कुछ मिल रहा था, और वहाँ पर इसकी वजह से ही नहीं हो पा रहा था गाइस। तो इस कंपोनेंट का मैं रीडिंग चेक कर लेता हूँ, 20 के ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हो मल्टीमीटर में। अब बारीकी से चेक करोगे गाइस मल्टीमीटर में, अब तक यहाँ पे शो कर जाएगा 20 के ओम्स रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है गाइस। ठीक है, तो इतने ही ओम्स का मुझे रेजिस्टेंस किसी अदर बोर्ड में से निकाल के लगाना पड़ेगा, जबकि सेम बोर्ड तो मेरे पास है नहीं ऐसा, तो एक सैमसंग का बोर्ड पड़ा हुआ है मेरे पास, और इसमें कैमरा के पास एक कंपोनेंट मैंने ढूँढा है तो मिला मुझे, जो कि मैं पहले से खोज के रखा हुआ है गाइस, ताकि आप लोगों के लिए, ताकि ज़्यादा आप लोगों का टाइम ना वेस्ट करूं, कम समय में आप लोगों को बहुत कुछ समझा सकूं मैं, इसलिए मैं पहले से उस कंपोनेंट को मैं ढूंढ के रखा हूं एक कैमरे के बगल में। अगर आपके पास ऐसा बोर्ड होगा सैमसंग का तो देख लेना गाइस, एक कंपोनेंट है यहाँ पर इस जगह पर, तो इतने ही ओम्स का लगा होगा, तो यहाँ पर भी देख सकते हो गाइस 18 के ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, 18-19 के लमसम इसको मान सकते हो, तो 20 नहीं है यहाँ पे, लेकिन 18-19 के लमसम है, जो कि मेरा वर्क कर जाएगा, एक दो पॉइंट कम है, कोई बात नहीं, चल जाएगा हमारा इतना। ठीक है गाइस, तो इस कंपोनेंट को मैं यहाँ से निकाल के और फिर दूसरे बोर्ड में अपने वाली कचोटा वाला फ़ोन में लगाता हूँ, देख लीजिएगा 18 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, वर्क कर जाएगा मेरा। ठीक है गाइस, तो डिजिटल मीटर से मैं चेक कर रहा हूँ ऑटो मोड पे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर जाता है कि यह कंपोनेंट कौन सी कंपोनेंट है। ठीक है, तो इसलिए, और इस मीटर में आपको शो करना है, तो इस मोड पे आपको सेट करना पड़ेगा 2 ओम्स पे आपको सेट करके देखना पड़ेगा, तो आपको ये रीडिंग इतना मिलेगा, 19 के लमसम 19-18 जो भी जितना भी है तो आपको मिल जाएगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे 19 के लमसम दिखा रहा है, तो ये कंपोनेंट मेरा ओके वर्क कर जाएगा, काम कर जाएगा गाइस। ठीक है, तो मैं निकालता हूँ इस बोर्ड से, और फिर इसको इस बोर्ड में से निकाल के यहाँ पे लगाता हूँ, और देखते हैं कि ये कंपोनेंट लगाने के बाद मेरा ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। खैर, मेरे हिसाब से तो 99% है कि ये वर्क कर जाएगा, और मैं आपको इसलिए यह कह रहा हूँ क्योंकि इसके 2-3 और कंपोनेंट ऑलरेडी पहले से रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पर, जो कि सेम नंबर का लगा हुआ है, और मैं भी सेम नंबर का रेजिस्टेंस निकाल के यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये वर्क करना चाहिए, तो मैं फिक्स कर दिया हूँ, लगा दिया हूँ अब बोर्ड में से निकाल के। अब अपने चेक करते हैं, बैटरी वगैरह लगा कर एक बार चेक करूँगा, पहले वैल्यू चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या वैल्यू शो कर रहा है मुझे यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, वैल्यू वगैरह मुझे शो करने लग गया, बटन लगाया, फ़ोन चालू करके देख लेते हैं। तो गाइस आप लोग नए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, अगर अच्छी वीडियो हमारी लगती है, कोई आपकी बात है, जो भी आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि
देखिए वीडियो आपको कैसा अच्छा लगा या नहीं लगा गाइस। तो गाइस यहाँ पे देख लो, ये बटन तो मेरा पहले से वर्क कर ही रहा था, और ये बटन जो मेरा वर्क नहीं कर रहा था, अब ये बटन मेरा वर्क करने लग गया है गाइस। ऊपर का जो बटन है ये भी अब काम करने लग गया मेरा, ठीक है गाइस। और लाल के ऊपर से जो बटन है पावर बटन के ऊपर, ये भी बटन मेरा वर्क करने लग गया है गाइस। देख सकते हो आप, जितने बार दबा रहा हूँ बटन अच्छे से काम कर रहा है गाइस, ठीक है। और हरे के बटन के जो ऊपर हैं वो भी बटन मेरा काम करने लग गया है गाइस, देख सकते हो। जो कि ये पांचों बटन का सिर्फ एक जगह से प्रॉब्लम बन रहा था, जिसकी वजह से मैं पांचों बटन वर्क नहीं कर रहा था। तभी किसी भाई ने इसको मना कर दिया था बनाने के लिए, क्योंकि इसकी लाइनिंग इतनी आसानी से समझ नहीं आने वाला था, जिस वजह से रिटर्न हुआ था ये फ़ोन। तो ये फ़ोन तो फ़िलहाल बन गया गाइस। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा गाइस। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।